नमस्कार, कैसे हैं आप। भारत का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ, लेकिन आजाद भारत को सेकुलरिज्म का नशा ऐसा छाया कि उसने अपनी पहचान ही मिटा देने की जिद ठान ली थी। नेहरू के अंदर वामपंथ का नशा ऐसा था कि वो खुद को कहते थे कि बाय बर्थ मैं भले ही हिंदू हूं, लेकिन वो एक्सीडेंटल हिंदू हूं। अपने आप को अक्सर क्रिश्चियन बताते थे, मुस्लिम बताते थे। तुष्टिकरण का ये नशा नेहरू के बाद उनकी बिटिया में छाई तो उन्होंने इस देश को सेकुलरिज्म का जामा संवैधानिक रूप से पहना दिया और भारत के संविधान की मूल आत्मा में सेकुलरिज्म को समा दिया। फिर ऐसा हुआ 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत पर सेकुलरिज्म का जामा तेजी से चढ़ने लगा। देश चूंकि हिंदू और मुसलमान पर विभाजित था, मुसलमानों ने अपने हिस्से का जमीन ले लिया था, तो उस समय तक 1970 तक कहते हैं कि तुष्टिकरण नामक कोई शब्द नहीं था, जो ऐसा करे वो मरे। यही कारण है कि बॉलीवुड के ज्यादातर अभिनेता अभिनेत्री जो मुस्लिम समाज के थे, उन्होंने अपना नाम कोई दिलीप कुमार, कोई मधुबाला रख लिया, ना जाने क्या क्या रख लिया, कोई अजीत कुमार बन गया। लेकिन बदले दौर में फिर बॉलीवुड पर भी जिहादी वुड छाया और उसके बाद वो खानवुड बन गया। हर जगह तुष्टिकरण ऐसा छाया कि लोग अपने नाम के आगे अपना सनातनी नाम बोलते समय ये बोलते थे कि मैं हूं तो हिंदू लेकिन सेकुलर हूं। ये कहना उन्हें जरूरी पड़ता था, जबकि दुनिया में हिंदू ही सिर्फ एक ऐसा पंथ है, एक ऐसा धर्म है जो सनातन है, शाश्वत है और जिसमें मानवता की बात है। लेकिन 4 दशक तक सेकुलरिज्म का नशा ऐसा छाया कि भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने लगा। तो मोदी युग में फिर अपनी पहचान वो ढूंढने लगा। फिर भी आवाजें उठने लगी और सेकुलरिज्म की बात की जाने लगी। कई साधु संत आए जिन्होंने खूब कमाए, अपने अपने एजेंडे चलाए, लेकिन इस दौर में 26-27 साल का एक युवक छा गया है। सोशल मीडिया के इस दौर में उसे किसी टेलीविजन चैनल की जरूरत नहीं थी। यूट्यूब और फेसबुक ने उन्हें अपनी पहचान बना दी और वो जब अपनी मासूमियत से, बचपनेपन से कुछ भी बात रखते तो सहर्ष स्वीकार कर लिए जाते। जी हां, हम बात कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर सरकार की। बागेश्वर धाम के संत अपने आप को कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं। बचपना उनका ऐसा मासूमियत से दिखता है कि लोगों के अंदर वे सहर्ष स्वीकार कर लिए जाते हैं। वो ग्रेटर नोएडा आए तो हमें भी उनकी भीड़ को देखने की जिज्ञासा हुई। एक पत्रकार के रूप में मैं चाहता था कि दूर से अवलोकन कर सकूं, और जब मैं वहां पहुंचा, जब देखा, उस भीड़ का मुआयना किया, तो 23 साल की अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने कभी भी ऐसी भीड़ किसी राजनेता के लिए नहीं देखी। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली बतौर पत्रकार कवर की, सोनिया गांधी की रैली, राहुल गांधी की रैली से लेकर के अपने युग में अन्ना आंदोलन को कवर किया, जिसे कहा जाता है कि जेपी के दौर में हम जैसी हमारी पीढ़ी ने जेपी का आंदोलन नहीं देखा, हमारी पीढ़ी ने गांधी का आंदोलन नहीं देखा। उस दौर में कहते थे कि हम कह सकेंगे कि हमने अन्ना का आंदोलन देखा। अन्ना के आंदोलन में रामलीला मैदान में जो भीड़ जमती थी तो लोग कल्पना करते थे जेपी ऐसे ही भीड़ जुटाते होंगे, लेकिन हमने जेपी की भीड़ नहीं देखी, हमने अन्ना की भीड़ देखी, अन्ना का आंदोलन देखा और उसे ही एक सीमा माना था। जब ग्रेटर नोएडा की ये भीड़ हमने देखी तो मुझे लगा कि इसकी व्याख्या खुद से करूं। पूरे 1 किलोमीटर में ग्रेटर नोएडा के में बागेश्वर सरकार के दरबार लगा हुआ है और ये टेंट देखिए,
ऐसे हम आपको यदि दिखाएं तो ऐसे ऐसे ये तीन टेंट है, ये तीन टेंट है, एक किलोमीटर की लंबाई और लगभग आधे किलोमीटर की चौड़ाई में। और उसके अलावा बाहर की व्यू देखिए, मोदी या किसी महारथी को क्या ऐसी भीड़ कभी किसी में कभी नजर आ नसीब होती होगी, ये कल्पना से पड़े है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, अब मेरी भी इच्छा हुई क्योंकि नोएडा में हो रहा है तो ज़रा कम से कम देखें कि नज़दीक से, तो अंदर जा नहीं पाए, देर हो गई आने में। तो ये देखिए, तुम तब भी नहीं मानोगे, हमने एक और सीख लिया, रील हम उसमें घुस जाएंगे, तुम तब भी नहीं मानोगे, हम तुम्हारे गांव में तुम्हारे क्षेत्र में कथा करने आ जाएंगे। जी, इस भीड़ को देख करके, इसकी व्यवस्था देख करके लगा कि सचमुच देश के अंदर बागेश्वर सरकार छा रहे हैं। फिर लगा कि ऐसा क्या है कि वो क्या बोलते हैं। फिर हमने दूर से ही उसे सुना, पत्रकार के होते हुए भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि इतनी भीड़ थी और उमस इतना कि लग रहा था, डर लग रहा था कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन उसी दौरान छोटे छोटे बच्चे, व्हीलचेयर पर आए हुए बुजुर्ग, बीमार लोगों की भीड़ और उन सब के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना, जय श्री राम का उद्घोष करना, आती जाती भीड़ को ऐसे देखना एकदम से चौंकाने वाला था। पहली बार लगा कि ना कोई रथी ना कोई महारथी यही व्यक्ति है जो भारत को सनातन राष्ट्र की तरफ ले जाएगा। हिंदू राष्ट्र का की बात आज जिन्हें मजाक लग रही है, उन सबको एक दौर में यह भी मजाक लगता था कि टेलीविजन चैनल पर पत्रकार त्रिपुंड लगाएंगे। एक समय में पत्रकार यदि दुर्गा पूजा के समय में, नवरात्र के समय में टीका लगा के आ जाए तो उसे संपादक न्यूज रूम से बाहर निकाल दिया करते थे। ये बदला दौर है और अब ये फैशन हो गया है। राम मंदिर का बनना कभी अकल्पनीय था, आज बात इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो नरसिंह राव लेकर के आए कि अयोध्या के अलावा किसी भी जगह पे जो मुगल कालीन गुंडों ने जो धार्मिक स्थलों को तोड़ा है उसे फिर से जोड़ा नहीं जाएगा। अब बात अदालत में उसकी भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट सरकार से उसके लिए भी पूछ रहा है। कमाल की बात यह है, इन सबके बीच बाबा बागेश्वर की चर्चा हो रही है। एक दौर था कि जितने संत महात्मा आए, आज उसमें से ज्यादातर जेल में हैं या जेल में नहीं भी हैं तो उन्होंने अपनी साख खोई है। कोई आसाराम बापू बना, कोई मोरारी बापू बना तो राम कथा सुनाते सुनाते कुरान कथा वाचक बन गया। लेकिन बागेश्वर सरकार ना कोई राजनीति कर रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी भी कोई पार्टी है तो कहते हैं हमारी पार्टी है हनुमान जी की पार्टी। लेकिन जब वो कहते हैं कि पागलों, बिहार में भी उन्होंने कह दिया बिहार के पागलों, तो बिहार में जातिवादी नेताओं ने कहा हम बिहारियों को इसने पागल कह दिया, लेकिन वो एजेंडा चल नहीं पाया। बिहार में उन्हें रोकने की जबरदस्त कोशिश की गई लेकिन फिर परिणाम ये आया कि बिहार में जितनी भीड़ उन्होंने इकट्ठा की, उन्हें देखने के लिए जितनी भीड़ आई वो इतिहास बना गई, न भूतो न भविष्यति। और नोएडा में बिहार का भी वो रिकॉर्ड टूट गया। तो ये साफ लगता है कि उस सनातन को एक कड़ी दर कड़ी जोड़ रहे हैं, उसमें जितने भी लोग थे वो किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं थे। कमाल की बात ये है कि बागेश्वर सरकार के जो आयोजक थे वो भी भाजपा से जुड़े हुए नहीं थे। ये बताता है कि वो सनातन को कैसे जोड़ रहे हैं। जब वो कहते हैं ग्रेटर नोएडा के पागलों, हम तुम्हें भूत नहीं भगवान पकड़ाने आए हैं, तो जोश कैसे उठता है, उनकी बोल सुनिए। Yeah.
जी। फिर वो कहते हैं कि वो उन लोगों पर कटाक्ष करते हैं कि ये कहते थे कि भगवान नहीं होते हैं। एक दौर था जबकि खुलेआम ये बात होती थी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान देश के गृह मंत्री पी चिदंबरम की मंत्रालय ने ये कहा कि राम और रामायण दोनों काल्पनिक हैं। ये लगातार बात चलती रही। ये बात अलग है कि हलफनामा सरकार को वापस लेना पड़ा और भारी पड़ गया। बागेश्वर सरकार उसी को याद दिला रहे हैं। फिर वो हनुमान जी से जोड़ते हैं, कहते हैं मेरे पास मत आया करो, अर्जी लगे ना लगे हनुमान जी से अर्जी लगाओ और रोज घर में हनुमान जी का पाठ करो। जब ऐसा संत ऐसी बातें करते हैं तो निश्चित रूप से कड़ी दर कड़ी जोड़ते हैं, सनातन को जोड़ते हैं। एक पहला संत है जो इस्लामिक शिकार हुए लोग, फूफा करने वाले लोग, मिशनरी के एजेंडे से लोगों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, वो पहले संत हैं। इसीलिए जब उनकी सभा में ये भीड़ कोई देखता है तो उसे लगता है कि ये अलख जगाने वाला है। बागेश्वर सरकार को देखकर लगता है कि सचमुच ना कोई रथी ना महारथी, ये शख्स यदि लंबी पारी खेल गए तो निश्चित रूप से भारत को सनातन राष्ट्र बनाकर मानेंगे। और सनातन का मतलब है सत्य और शाश्वत। अक्सर कहा जाता है कि भारत यदि सुविधा संपन्न हुआ तो लोक कल्याण की तरफ, विश्व लोक कल्याण की तरफ बढ़ेगा। राम ने रावण पर विजय पाकर के भी लंका पर कब्जा नहीं किया। धरती पर ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इसीलिए इस धरती को सनातनमयी होना जरूरी है और बागेश्वर सरकार उसकी शुरुआत भारत से कर रहे हैं। और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कड़ी दर कड़ी वो देश को जोड़ रहे हैं, इसकी संभावना बहुत तेज है कि भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। वंदे मातरम।